आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। खुलेआम प्रभारी प्रधानाध्यापक का घोटाला, मिट्टी से दीवार को बना रहा था प्रधानाध्यापक। गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग घायल, घायलों का कराया गया अस्पताल में भर्ती। करना की पूजा कर रही महिला की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने लिया नाबालिग आरोपी को हिरासत में। राशन डीलर की लापरवाही, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है राशन, डीलर के घर पर ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। जिलाधिकारी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं वरिष्ठ बोदरा। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। मुजफ्फरपुर कारा की छठ महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और जेल में अंदर बने तालाब को साफ सफाई कर घाट बनाया गया। आपको बता दें कि इस बार भी सैकड़ों पुरुष और महिलाएं बड़ी पूरी विधि विधान के साथ जेल के अंदर पूजा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी जेल के छठ पूजा के पूरे इंतजाम किए हैं। वहीं रोहतास में भी छठ पूजा को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं और बाजारों में लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से छठ महापर्व बेहद बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जा पा रहा था, लेकिन इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था के पर्व इस महापर्व को अनुष्ठान कर रहे हैं। छठ पर्व पर, महान छठ पर्व पर बहुत जोरों से खरीदारी हो रही है, फल फूल की बिक्री ज्यादा बढ़ गई है, लोग खुशियां मना रहे हैं, बाजार में हर तरीका का फल फूल पर प्रसाद का बाजार लगा हुआ है, लोग जोरों शोरों से अपनी खरीदारी कर रहे हैं। 2 साल के बाद, कोरोना के बाद छठ पर्व हो रहा है, खुशियां लोग ज्यादा मना रहे हैं। छठ के शुभ अवसर पे जोर का दुकान लगा हुआ है और काफी भारी मात्रा में इस बार छठ किया जा रहा है, इसलिए सूप का रेट 80 से लेकर अभी तक 100 के बीच पार हो चुका है और इस साल छठ हो रहा है हमारे देवी अवसर में। इतना काफी भारी मात्रा में छठ हमारे पटना में भी होता हुआ है, इसलिए बाजार में बहुत महंगाई इस बार हो गया है थोड़ा सा, इसके लिए बात नहीं है, लेकिन छठ हो रहा है अच्छा। खबर भागलपुर से, जहां जिला के सनौला प्रखंड अंतर्गत बुढ़िया पंचायत के मिडिल स्कूल में किचन शेड और रूम के निर्माण में सीमेंट और बालू की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में जब प्रधान अब्दुल कलाम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिनके जैसे पत्रकार बहुत आते हैं और आपको जो करना है कर लीजिए, पूरा शिक्षा का डिपार्टमेंट ही लूट का अड्डा है और हमारा मन जो करेगा हम वहीं करेंगे। खबर मोतिहारी से, जहां छठ घाटों पे छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर की गई तैयारियों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया है और इसके बाद निरीक्षण क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने घाटों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खबर नवादा से, जहां 4 दिवसीय आस्था के महापर्व को लेकर आपने 6 साल के बेटे के साथ अमेरिका से नवादा पहुंची युवती ने बताया कि अमेरिका में भी छठ पर्व कर सकती थी मगर वह नवादा जैसी सुख सुविधा नहीं मिल पाती। अपनी मिट्टी में आकर छठ करने का एक अलग ही गजब का उत्साह देखने को मिलता है और इस पर्व पर छठ में इतनी ताकत होती है कि हर श्रद्धालु अपने गाँव, अपने शहर, अपने घर किसी तरह से ही लौट आता ही है। परिवार के साथ करना चाहती हूँ ये छठ, और ये मेरा ससुराल है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ सब लोग साथ में करें, और क्योंकि ये छठ एकजुटता का पर्व है, हम चाहते हैं सब लोग एक साथ रहें और मिलजुल के ये छठ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर तो हम हर जगह हर चीज़ कर सकते हैं आज के ज़माने में, लेकिन एक जो परंपरा निभाने वाली बात होती है ना कि हमारे घर में हर चीज़ का एक तरीका होता है, यहाँ जिस तरीके से
खीर बनती है वैसे हम अमेरिका में नहीं बना सकते। यहाँ जिस तरीके से पूजा होती है हम वैसे अमेरिका में नहीं कर सकते, वहाँ एक लिमिटेड हो जाता है। यहाँ हम सब चीज़ें, जैसे मैं जाकर यहाँ नदी में अर्घ देख सकती हूँ, वहाँ नहीं दे सकती मैं। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे ना सारी चीज़ें अच्छे से करनी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि सब कुछ मैं यहाँ आके करूँ। खबर नवादा से, जहां जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार में गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को घायल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हिसुआ में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने मरीजों की हालत गंभीर बताते हुए उनकी ईमानदारी शुरू कर दी है, पावापुरी रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह की घटनास्थल पर पहुँच गए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर खरना की उपासना कर रही एक 45 वर्षीय महिला छठ व्रती को नाबालिग ने चाकुओं से गोदकर मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मामले में सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और आरोपियों बालिका को हिरासत में लेकर मामले की जाँच में जुट गई। अगर मैं आगे समय घर को इसे मेरा चक्कू है मैं रो के मारा चक्कू 12-13 साल का लड़का है। क्या पहले से ही कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं सर, बम पड़का फोड़ रहा था ना, इसलिए मना किया उसको। पड़का फोड़ने से मना किया तो चक्कू मार दिया? हाँ, माँ के संग एक तपन मारा ना, बोला ये चक्कू मार, माँ के साथ है, बोला हम चक्कू मार दें। द्वार पे पटाखा फोड़ रहा था वो लड़का, तो मम्मी गए हमारे उसको रोकने के लिए, वो नहीं रुका था, उसको घर पे ले जा रहा था, तभी वो चाकू मार के भाग गया वो। पहले से कोई दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। क्या नाम है आपकी मम्मी का? शीला देवी। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। घर? पटोरी। बीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सुनवर्षा टोला वार्ड नंबर 2 की ये घटना है। घटना ये है कि एक शीला देवी, मृतक जिनके पति का नाम नीतीश कुमार मेहता है, उनका उनके ही पड़ोस में रहने वाले बैजनाथ राय के पुत्र जो कि 14 वर्षीय हैं, उनसे पटाखा चलाने को लेकर के आज विवाद हो गया। विवाद में थोड़ा आपस में बकझक होने लगा और इसी क्रम में वो लड़के के हाथ में चाकू था और उसने उस चाकू से उस महिला को मारा। चाकू संभवतः उनके बॉडी के वाइटल पार्ट, किडनी वगैरह में लग गया, जिससे उनकी ब्लीडिंग वहाँ पर ज़्यादा होने लगी। वहाँ के स्थानीय डॉक्टर ने उन्हें सदर अस्पताल में रेफर किया, जहाँ पर इलाज क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। कि उस जो ये अंजाम दिया है घटना को, उसकी गिरफ्तारी भी हुई? हाँ, उस लड़के की जो है बालक 14 वर्षीय, उसको जो है पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत रामपुर पंचायत के डीलर ने ग्रामीणों को 1 महीने का फिंगर लेकर राशन नहीं देने के बाद ग्रामीणों ने डीलर के घर बाहर जमकर बवाल किया है और कहा कि राशन डीलर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। और ग्रामीणों ने बताया कि खुलेआम इस तरह के डीलर की गुंडागर्दी चल रही है, लेकिन इस मामले में अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। वहीं जब इस विषय पर आवाज़ उठाई गई तो खुलेआम डीलर की पत्नी और बेटी ने धमकी दी है कि अगर देखना हो तो ऐसे भ्रष्ट डीलरों पर कब तक कार्रवाई होती है। 60 किलो अनाज में 6 आदमी रह, तो माँ 54 किलो दे छा ना 54 किलो। अगला महीना राशन दल का अगला महीना है, महीना ना दल का अगला महीना रहती करी रहल छ। तो मतलब एक उधारी चली रहल छ। हां, उधारी चली छ। फिंगर फिंगर लेल पछ ना कहिया ले छ, कहां दे छ? की महीना फिंगर नहीं देलो छ। राशन दे दै छ त 8 आदमी दे छ। अगला महीना राशन मिलो है? नहीं, दुर्गा पूजा में फीवर ले घरों घर में जाके घरों घर में फिंगर ले लो जाए। हाँ, कुछ नहीं, बारह महीना मांगे छो तो नहीं दे छो। राशन 36 किलो दिल के 40 रुपये जगह में 40 रुपये 4 किलो ने कटके कितना पैसा ले के? 80 रुपया 80 रुपया। अगला महीना राशन मिलो है? नहीं, अगला महीना टिप्पा दिलो। हाँ, टिप्पा दिल को बच्चा लो ले दिलो। तो राशन नहीं दिल के? नहीं, राशन कटता है और यहाँ पे जो उसना चावल के बोल के यहाँ पे अरबा चावल मिलता है, उसना चावल नहीं देता है। और सुनने में आ रहा है अगला महीना का राशन नहीं दिया गया, एक महीना का फिंगर ले लिया, राशन नहीं दिया है और फिर से फिंगर मांगता है और बोलता है तब राशन देंगे। फिंगर ले लो कुछ 1 महीना रहो, तू राशन नहीं दे रही है। हाँ, फिर जब राशन ले आवे छे तो दूसरो फिर फिंगर ले तब राशन दे छे।
और 2 किलो काटी ले प्रत्येक आदमी 2 किलो राशन काटे जी। अगला महीना रे जब नियम छे कि एक बार फिंगर दे लो तो राशन देना छे तो राशन कहाँ चलो राशन काटी ले छे कहे छे हमरा 1,00,000 रुपया कर्जा 20,00,000 रुपया बा काटी के महसूल करबे घरो जाय जाय फिंगर ले छे आरो कल अइबो करले त हमरा ने झगड़ा करी के मार भी करी लेल के कल वीडियो भी बनै लेलिए। खबर बक्सर से जहां छठ घाटों पर की जा रही तैयारियों का हाल जानने के लिए जिला प्रशासन के पदाधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में डीएम ने गंगा थोरा के संगम स्थित त्रिमुहानी घाट के लगायत हरिलौती घाट का भ्रमण कर तैयारियों को रूबरू हुए और लोगों को आश्वासन निर्देश भी दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ एसपी व सदर एसडीओ धर्मेंद्र कुमार मिश्र के साथ कई लोग मौजूद रहे। सभी तैयारियां हम लोग पूरी की अवस्था में करवा चुके हैं। जहाँ जहाँ घाट निकल है वहाँ पे सैंड बैग्स लोग दे रहे हैं। जिस तरह से आप अवगत हैं कि पानी जो है लगातार वो घट रहा है उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और पानी जिस तरह से घटेगा उसी तरह से बैरिकेडिंग को हम लोग समझ रहे हैं। श्रद्धालुओं से सर क्या अपील रहेगी जिला प्रशासन? सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि छठ का जो वहाँ उसको संपन्न प्रशासन के लिए तत्पर है तो उनको जो है अपना संयम का परिचय करें अच्छे से। खबर हाजीपुर से जहां समाजसेवी बसकीत राय ने रेलवे स्टेशन के कैंपस में सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर कैंपस में सभी छठ व्रतियों को छठ पूजा का सामान वितरण किया। इस अवसर पर राजद के महुआ विधायक मुकेश रोशन समाजसेवी बिस्कित राय के साथ भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस बार लगभग 300 से 400 घोर और सूप बांटा गया है तो बांटने से क्या लाभ मिलता है? बांटने से क्या लाभ मिलता है वो बात नहीं है। छठ महापर्व ये हमारे देश के लिए महापर्व है। सूर्य उपासना ये बांटना ये माँ खुश होती है तभी जब एक दूसरे से लेकर के पर्व होता है माँ का। छठ महापर्व है हम लोग का यूपी बिहार का जी। हम लोग भगवान सूर्य को उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों को पूजा करने का ही महापर्व है। ये हमारे संस्कृति का एक धरोहर है, हमारे इतिहास रहा है। हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें सभी छठ व्रतियों का सेवा के लिए हमेशा से रहे हैं। केला घोर सूप नारियल अनारस ईख सब आदमी भुइयां हुआ के माध्यम से हम लोग देने का काम किए हैं। भगवान से विनती करते हैं कि इसको दूध दुगुना और रात चौगुना करें कि आगे साल से अभी 400 बांटे अगला साल 800 आदमी को बांटे। खबर नवादा से जहाँ लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ पर्व के तीसरे दिन बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिल रहा है और छठ पर्व के तीसरे दिन शाम को पहला अर्ध है। वहीं इस पर्व के चलते लोग बाजारों में पूजा की सामग्री खरीद रहे हैं। वहीं दुकानदारों से भी बताया जा रहा है कि पिछले साल की तरह इस बार बाजारों में सामग्री की अधिक खरीदारी हो रही है। आज विशेष तौर पर लोग अपने छठ की पूजा करेंगे, माँ छठी मैया को अर्घ दिलाकर सूर्य देव को अर्घ प्रदान करेंगे। लोग अपने घाटों पर जाएंगे और बढ़िया से शांतिपूर्वक अपनी छठ करने वहाँ सस्ता है भीड़ भाड़ बढ़िया है तो हमारी हो रहा है। प्रत्येक साल के बाद जो भी सामान के साथ स्टॉक भी है तो इसकी कमी नहीं है। रेट भी सस्ता है किसी को महंगा नहीं है। लोग खरीदने के लिए लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, किसी को कोई महंगाई भी नहीं बढ़िया है। खबर सहरसा से है जहां जिला के समाजसेवी आशीष रंजन ने अपने वार्ड में साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर अपने वार्ड में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है और साथ ही छठ घाटों पर भी ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव कर छठ घाटों का साफ सफाई भी कराया है। लोक आस्था का महापर्व छठ जो कि कल सांझे अर्घ है और परसों प्रातःकालीन अर्घ है और आप अभी देख सकते हैं कचरा क्या है। हम लोगों के इस पर्व में आपको पता होगा कि दंड प्रणाम देने की एक प्रथा है और आप लोग देखिए कि इस कचरे में कैसे आदमी दंड प्रणाम देके जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्या है यहाँ पे नज़ारा है और इस बीच में लोग कैसे दंड प्रणाम देके जाएंगे कचरा में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की। मैं इससे पहले भी इस कचरा के विषय में कार्यपालक महोदय को व्हाट्सएप पर मैसेज में भेजा हुआ हूँ। छठ महापर्व है आप लोगों को पता ही है और कल आज आपको खरना है, कल सझका अर्घ है, परसों प्रातःकालीन अर्घ है तो उसमें साफ सफाई अहम था और नगर परिषद द्वारा पूरा स्लो मौसम में सफाई हो रही थी
तो ब्लीचिंग सबका तो कहीं कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ जहाँ से कचरा उठा रहा है वहाँ से थोड़ा सा मतलब चुटकी भर ब्लीचिंग से वो लोग अपना छिड़क कर निकल रहे हैं बस, और कुछ भी ना घाट पर ब्लीचिंग अभी तक छिड़का हुआ है ना ही पूरे मोहल्ला में ब्लीचिंग छिड़का हुआ है। हम अपने तरफ से वार्ड नंबर 19 जो पुराना था अभी 31 है पूरे वार्ड में ब्लीचिंग का छिड़काव करवाए हैं और जगह जगह जहाँ भी घाट उट पर है यदि आज भर यदि हम देख रहे हैं यदि आज भर नहीं करवा पाते हैं नगर परिषद कल हम अपने स्तर से दोनों दो घाट है वार्ड में दोनों घाट पर ब्लीचिंग छिड़काव करवाएंगे। फिलहाल बिहार की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो